यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही बायस मुसर्रत है। आप लोगों का खुलूस, आपका प्यार, आपका जोश एक सरमाया है जो मैं वापस लेकर जाऊंगा। इमरान खान को परसों मिलूंगा, मैं बताऊंगा कि यहाँ कितना जोश है, कितना जज्बा है, कितनी तमन्ना है कि इमरान खान बाहर आए, आपकी क्यादत करे, इस मुल्क का वजीर आजम बने। आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप उस नबी के उस शख्सियत के पैरोकार हैं जिसने मोहब्बत का दर्स दिया, और मैं समझता हूं पाकिस्तान को अब मोहब्बत की ज़रूरत है। जो पिछले 6-8-9 महीनों में जो बर्बरियत हुई, जी जो बर्बरियत हुई, जो जुल्म हुआ इस मुल्क में, उसका सबसे बड़ा जवाब मैं समझता हूं हिम्मत है, इस्तकामत है और मोहब्बत है। हमने जवाब ईंट का ईंट से नहीं देना, हमने ईंट का जवाब मोहब्बत से देना है। पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, पीटीआई के साथ मोहब्बत, अपनी आने वाली नस्लों के साथ मोहब्बत। पाकिस्तान जिंदाबाद, सरदार अकरम राजा जिंदाबाद, सरदार अकरम राजा जिंदाबाद, मियां हारून अकबर जिंदाबाद, मियां हारून अकबर जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आई आई देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा रोल है और बहुत सुनहरा रोल है। वो एयरफोर्स हो हमारी मिडिल कोर्ट साहब, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट हो जहाँ जस्टिस कॉर्नेलियस हमारे चीफ जस्टिस रहे, या कोई और शोबा हो, पाकिस्तान का कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने खिदमात सर अंजाम नहीं दी और दरख्शां खिदमात सर अंजाम दी हैं। आपका जो सबक है, आपका जो नज़रिया है मोहब्बत का, वो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तानी नज़रिए की असास है, असास होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सर 2013 और 2018 में MNA MPA हमारे PTI के जीते थे, और अब भी इंशाल्लाह आप ही जीतेंगे अल्लाह के फजल। हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, हमेशा साथ रहूंगा, पूरी उम्र। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैंने अकलियतों के हुकूक के लिए जंग लड़ी है, हर सतह पे, अदालतों में भी, अदालतों के बाहर भी, कानून साजी की सतह पे भी। हम पार्लियामान में जाकर ये यकीन कराएंगे कि इस मुल्क में किसी का इस्तेहसाल ना हो, किसी कम्युनिटी का इस्तेहसाल ना हो, हर कम्युनिटी को उसका बराबर का हक मिले। तो आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, यहाँ आना बहुत ही मेरे लिए बायस मुसर्रत था, और हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।